वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। दोस्तों गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। गंगा नदी न केवल प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। इसी गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख, ठीक है। चूंकि ये गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा है, इसकी एक छोटी सी जगह है गोमुख, वहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है भागीरथी नदी, ठीक है दोस्तों। भागीरथी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ये नदी की दिशा है, ऊपर से जो नदी आएंगी वो इसकी बाईं सहायिका होंगी और नीचे से जो नदी आएंगी वो इसकी दाईं सहायिका होंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। भीलांगना और भागीरथी दोनों का संगम होता है गोविंद प्रयाग में। यहाँ पर दोस्तों एक जगह पड़ती है गोविंद प्रयाग और इसी गोविंद प्रयाग में एक भारत का बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। यहाँ से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना दोनों नदियों के संगम पर है। इसके बाद ऊपर की तरफ से एक, इसकी बाईं तरफ से दो हमको बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। एक है सतोपंत हिमानी, ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर, और एक है मिलम ग्लेशियर। दोस्तों सतोपंत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णुगंगा। यहाँ से एक नदी निकलती है विष्णुगंगा और मिलम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों नदियाँ मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। ये जहाँ मिलती हैं उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। दोस्तों ये जो अपवाह तंत्र है ये मिलकर पंच प्रयाग बनाता है। इसमें एक प्रयाग आपका आ गया विष्णु प्रयाग। इसमें यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अब ये धाराएं अलकनंदा के नाम से आगे की तरफ बहती हैं, ठीक है। ये इसकी बाईं सहायिका होगी जो ऊपर से आ रही है और इसका नाम है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से नंदाकिनी नदी इससे मिलती है नंद प्रयाग में। यहाँ पर मिलती है नंद प्रयाग में। इसके बाद इसी से एक और नदी मिलती है ऊपर से जिसका नाम है पिंडार नदी, ठीक है दोस्तों। पिंडार नदी इससे मिलती है कर्ण प्रयाग में, ठीक। एक नदी ऊपर से आती है यहाँ से और इस नदी का नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी इससे मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये चार प्रयाग हो गए। इसका एक प्रयाग है, इसके बाद ये चारों, इसके बाद ये नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं जहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है। ये भागीरथी और ये अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में, और यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। इसके बाद गंगा की एक बाईं तरफ से एक नदी मिलती है आकर के जिसका नाम है रामगंगा, ठीक है दोस्तों। रामगंगा नदी जो है दोस्तों ये कालागढ़ डैम से निकल रही है, ठीक है, कालागढ़ से निकलती है और ये मिलती है इससे कन्नौज में। इसके बाद दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है यमुना नदी और यमुना नदी का उद्गम जहाँ से होता है उसे बोलते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री के पास एक जगह है बंदर पूंछ, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यमुना की तीन सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं और यह मिलती हैं प्रयागराज में, ठीक
ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। इसके बाद गंगा से एक ऊपर की तरफ नदी आ रही है बाई तरफ से, जिसका नाम है गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है, ये यूपी में पड़ती है और यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। दोस्तों इसी गोमती के किनारे लखनऊ शहर भी स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है दोस्तों, ये गोमती नदी मिलती है इससे गाजीपुर में, गोमती मिलती है गाजीपुर में। इसके बाद ऊपर की तरफ से ही एक नदी आती है जिसका नाम है सरयू या घाघरा नदी। दोस्तों ये नदियाँ जो मिलती हैं इससे मिलती हैं छपरा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलती हैं? छपरा में। इसके बाद इसके दाई तरफ से एक और नदी मिलती है नीचे की तरफ से आके, जिसका नाम है सोन नदी। दोस्तों सोन नदी गंगा से पटना में मिलती है, पटना में मिलती है। इसके बाद इसके बाईं तरफ से ये ऐसे बह रही है आगे की तरफ गंगा के नाम से, बाईं तरफ से इससे एक नदी मिलती है आगे, इसका नाम है गंडक नदी। ठीक है दोस्तों, गंडक नदी इससे मिलती है हाजीपुर में। इसके बाद आगे चलकर एक और नदी इससे मिलती है कोसी नदी। कोसी नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी भी है, इसको अरुण नदी के नाम से भी जानते हैं और यह इससे जो मिलती है वो जगह है कटिहार, कटिहार में मिलती है या इसके पास में भागलपुर जगह पड़ती है, वहाँ पर भी इसका मिलन स्थल है। ठीक है इसके बाद दोस्तों सबसे अंत में जो इससे सहायक नदी मिलने वाली है उसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ पर ये फरक्का डैम बनाती है और फरक्का जो बांध है गंगा नदी पर स्थित है, इसके बाद ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। ठीक है और दोस्तों बांग्लादेश में इसे जानते हैं पद्मा के नाम से, और जब इससे ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना, और ये मेघना के नाम से ही अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये कुछ गंगा नदी तंत्र का सिस्टम है। ठीक है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर हम देखें गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों कुल लंबाई इसकी याद रखना 2525 किलोमीटर। ठीक है सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी इसकी है यमुना। यमुना का दोस्तों नाम कालिंदी भी है, यमुना को कालिंदी नाम से भी जानते हैं। ठीक है एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से, एकमात्र सहायक जिसका उद्गम मैदानी भाग से दोस्तों ये है गोमती, और गोमती के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। ठीक है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हुई यमुना, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर दोस्तों ये है कानपुर। ठीक गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जब दिया गया था तो ये डेट थी 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों गंगा की सहायक नदी जो है कोसी, इसको बिहार का शोक बोलते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है कोसी नदी को बोला जाता है। सबसे अंतिम सहायक नदी दोस्तों ये है महानंदा। दोस्तों ये गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा गंगा नदी तंत्र, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है,
हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों जो हिमालय पार की नदियां हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु और सतलज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये नदियां जो हैं दोस्तों वो हिमालय के पार से आ रही हैं, जबकि अन्य नदियां जो हैं इनका उद्गम भारत से ही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है, सिंधु पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है, और सतलज नदी भारत होते हुए सिंधु से मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो बृहत्तम नदी है वो है सबसे बड़ी नदी, इसका मतलब है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों दोनों की संयुक्त जलधारा को हम जानते हैं मेघना के नाम से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो चंबल है ऑप्शन, सोन है, बेतवा है, केन है। तो दोस्तों जो सीधे गंगा में आकर मिलती है वो है सोन नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, और कोसी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अरुण, इसे अरुण नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो मिलती हैं वो मिलती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। ठीक, और यहीं से भागीरथी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलती है और यह गंगा में आकर मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बांग्लादेश से होकर जाती है यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो वो है सोन नदी। सोन नदी डायरेक्ट गंगा नदी से मिलती है और यह गंगा नदी की दाई सहायिका भी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो दोस्तों ये बताया था मैंने मंदाकिनी। ठीक है, और ये जो पांच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, ये इन पांचों को एक साथ बोलते हैं पंच प्रयाग। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, जैसे गोविंद प्रयाग है वो पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है, और ये जो नदी है यमुना से बांदा में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगोत्री में जब यह नदी निकलती है तो यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और यह देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग में गंगा कहलाती है ये। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो भागीरथी नदी है वह गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और इस बड़े से ग्लेशियर में एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं गोमुख। ठीक, यहीं से भागीरथी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है, ए इज द करेक्ट आंसर।
गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों गंगा में बाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां मैं बता चुका हूं, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुनोत्री, ओ यमुना। यमुना का उद्गम जो है वो यमुनोत्री से होता है, ठीक है, और यमुनोत्री के पास एक जगह है बंदरपूछ, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी को हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो दोस्तों यमुना नदी मिलती है प्रयागराज, इलाहाबाद में आकर। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? तो दोस्तों ये दर्जा दिया गया था 4 नवंबर 2008, ऑप्शन के हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था गंगा नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए धन्यवाद।